और पूरी क्षमता के साथ इस मंत्र को जो मैं बोल रहा हूं शक्तिपात रूप से इसको ग्रहण करें। क्षमता का अर्थ है कि पूर्ण भावनात्मक विश्वास के साथ में, पूर्ण चेतना के साथ में। कई बातें आपको मैं बोल रहा हूं और आपको अविश्वासता हो रहा है, हो सकता है ये आपकी न्यूनता है। अविश्वास के बालू की बीट पर मकान मंदिर निर्माण नहीं किए जा सकते, मकान नहीं बन सकता, बालू पर मकान नहीं बन सकता, ठोस पत्थरों पर बनता है। और विश्वास के आधार पर यह कार्य कंप्लीट होता है, और विश्वास अपने आप में पूर्ण हो तभी हो सकता है। न्यू अप्सरा को सिद्ध करना यह एक आसान कार्य नहीं है, मगर अप्सरा को सिद्ध करना बहुत अधिक आसान है यदि आपको विश्वास अपने ऊपर बहुत हो, मंत्र पर बहुत हो। उससे पहले आप गुरु पूजन कर लें, उसके बाद में इस यंत्र का पूजन कर लें, यंत्र के ऊपर इत्र लगा दें, अपने खुद के शरीर पर या कपड़ों पर इत्र लगा दें, इत्र का फूहा कानों में डाल दें, चाहे तो गुलाब की माला पहन लें। वस्त्र आप पैंट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, पाजामा पहन सकते हैं, धोती इसमें आवश्यक नहीं होती, इसमें किसी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। और ये आपको 11 माला करनी है, और 11 दिन तक या 15 दिन तक करनी है, और रेगुलर करनी है, और शुक्रवार से प्रारंभ करनी है, और रात्रि को करनी है। मेरा नाम आपको समझ में आ गया होगा। और कई गृहस्थ साधकों ने अप्सरा साधना को सिद्ध किया है। यदि आप कहेंगे तो मैं जन्मोत्सव पर लोग आएंगे आपके सामने, उन साधकों को प्रत्यक्ष खड़ा कर दूंगा, आप उनको प्रश्नों की झड़ी लगा के पूछ सकते हैं। ये आपको और बता दूं, गृहस्थ साधक कर सकते हैं, सन्यासी कर सकते हैं, योगी कर सकते हैं, इंद्र कर सकता है, वरुण कर सकता है, भगवान शिव कर सकते हैं, विष्णु कर सकते हैं, रुद्र कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं किसी प्रकार की न्यूनता है ही नहीं। संगीत सुनना कोई पाप नहीं है, फिल्मों के गाने सुनना कोई पाप नहीं है, फिल्म देखना कोई पाप नहीं है, श्रीदेवी को और माधुरी दीक्षित को देखना पाप नहीं है, तो अप्सरा को देखना भी पाप नहीं है, और पत्नी के साथ बैठे उनको देखते हैं तो ये भी देख सकते हैं। बस कमी ये है कि आप माधुरी दीक्षित को आवाज देके, आज्ञा देके कुछ नृत्य नहीं करवा सकते, और यहां आवाज कह करके नृत्य करवा सकते हैं, मनोरंजन करवा सकते हैं, घंटों बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और आप जो चाहे वह कर सकते हैं। मगर यह गोपनीय है तो फिर आप तक ही सीमित रहेगी बात, इसको आप उजागर नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये साधना सिद्ध हो गई है, ये आवश्यक है। जो ये आपने उजागर किया, साधना आपकी निष्फल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह एकांत साधना है। और एकत्व साधना, एकत्व का मतलब है आपको ही ज्ञात है या फिर गुरु को ज्ञात होगा, गुरु तो आपका चेहरा देखकर समझ जाएगा कि आपको साधना मिल गई है, और मिलती है, 11 दिन में मिल जाती है, क्योंकि तांत्रिक साधनाओं के लिए 4-4 महीने 5-5 महीने नहीं लगते, 2-2 साल नहीं लगते। इसे दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, दोनों हाथ लंबे कर दीजिए, और विश्वास के साथ इस मंत्र को लीजिए। ये एक शक्तिपात मंत्र है, और शक्तिपात का मतलब है कि आप बिना पलक झपकाए आप मेरी आंखों में देखते रहे, उसको शक्तिपात कहते हैं। मैं अपनी शक्ति के माध्यम से अप्सरा को सिद्ध करता हुआ आपको प्रदान कर रहा हूं, ये इसमें ये नियम है। और शंकराचार्य ने किया है, गुरुनाथ ने किया है, कोई भी कर सकता है, दोष कहीं है ही नहीं। दोष हमारे विचारों में दोष हो सकता है, बिल्कुल एकदम से सुंदर चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, लगे कि कुछ हो तब तो वो आपके पास बैठेगी सही, आप तो खुद मरे हुए होंगे तो कहां से बैठेगी, छोड़ के चले जाएंगे सारा ये खुद ही मरा हुआ सारा, अब इसके पास बैठ के मेरे सत्यानाश का एक लिख करूं, बिल्कुल मस्ते के साथ में जो उनके बात करनी है मैं वो बोले उससे भी अच्छा बोलना है, तुम साथ में बैठे हो तुम्हें घबराने झूठ क्या है, जहां को तकती हो गुरु जी को याद करना है रेडी, और यू क्योंकि आपका ऋण दान सबसे पहले वो करवाए आप। जो अफसर साहब मैं इस बार नहीं कर पाए हैं वो अगली बार जब इसे मिले अफसर सिद्धि कर लेना, मैं आपको ठीक कह रहा हूं, कोई कारणवश नहीं कर पाए, कई कारण हो सकते हैं, मगर न पत्नी से डरने की जरूरत है, न पत्नी को डराने की जरूरत है, कहना ही नहीं है बस खत्म, गुड़ का स्वाद कहने की जरूरत है ही नहीं, खाया पिया मस्त है, ऐसे सारे पीर जानी है चली जा कल जा रही है, आज रिवीजन करा दूं कब करवाना है, वापस मैं बुलाने आऊं तभी आना, कोई उतावली नहीं है, मैं खुद रोटी बना खा लूंगा, ये नहीं कहना है सिद्ध कर लिए, ये करोगे तो जाएगी नहीं। पत्नी कई बार कहती है किससे ऑफिस में बातें कर रहे थे, कुछ आवाजें आ रही थी, मैं तुम्हें आवाज सुनाई देती होंगी, मैं तो कोई बात करना ऑफिस में कौन होगा, दरवाजे खोल दे ली, कहीं आवाजें तो आ रही थी, आवाजें आ सकती हैं मगर मैं आवाज यहाँ किससे बात करूंगा, कोई बात करने वाला होगा तो बात मैं तो उससे बात करूँ, कहीं नहीं आवाजें आ रही थी,
मेरे औरत और बहन दोनों साथ साथ पैदा हुए थे, साथ साथ ही मरेंगे, उनको लंबी जोड़ी बात नहीं, मैं वो समझती है सब कुछ। त्वाजी नम सर्वताम प्रभुताम सौंदर्य पूर्णाश्वरी रंभा उर्वशी मेनका विद्वाम दिव्याम सदा सुहृदी सौगंधम सुगुना पराम पर्वताम सौंदर्य रूपेश्वरी माम परिवाम मनोरंजनी कृपयतु सौंदर्य देवेश्वरी तत्रादौ पुनः एतस्मानं सख दिग्लन्तां मापसरायां सिद्धिसार मामीन्द्रारुषि एतस्मानं सख दिग्लन्तां पूर्णत्वं पूर्णा एतस्मानं सख दिग्लन्तां चैतन्यं परिपूर्णा एतस्मानं सख दिग्लन्तां दीर्घो एतस्मानं सख दिग्लन्तां तान्तां पूर्वा एतस्मानं सा सौन्दर्य साम एतस्मानं सौन्दर्य पूर्वा सम्यग्दिदातसु सवक्ष सरीसा शिरस्थानं सा नेत्रोज्ज्वलां पूर्ण सौन्दर्य नेत्रोसां नासिकायां सा एतस्मानं सा सुमिन्दासिकायां लम्बोदरा अधरो पूर्ण सा गुलाब अधरोष्ठं ता एतस्मानं पूर्वा एतस्मानं ग्रीवायां मनुष्य सा पूर्वा एतस्मानं सा स्निग्धायां तत्रादौ वक्ष स्थलं सा पीन पयोधरा एतस्मानं क्रियते पूर्वा एतस्मानं सा वक्ष स्थलौ सा पूर्वे एतस्मानं नानाभि कूपे रूपेण रूपसाम उद्रोजुला पेतोषा पूर्वादस्मानं शक्तिकलन्तं दीर्घोदस्मानं सन्निकटकलन्तं दीर्घोषा एतस्मन्मुनी सा जङ्गायां दीवायां प्रवसी जासे पूर्वास्ति सुन्द एतस्मानं शक्तिकलन्तं पूर्ण यौवन रूप सौन्दर्य अक्षुण्य सौन्दर्यतापूर्ण मनोरंजनी मनोरंजनी सा एतस्मानं श्रीकलन्तं दीर्घो दीर्घोदस्मानं शक्तिकपूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तं स्वचित्तं प्राप्ता निमित्तं सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तं मम आज्ञां परिपालयन्ति मम चित्ते मम चित्ते तान् चित्ते मिन्ता पूर्वा एतस्मन्मुनी मम देह तुम देह मम प्राण तुम प्राण ताम पूर्णतम महदेश्वरी साम प्राणेश्वरी सा चित्तेश्वरी सा दीर्घेश्वरी सा अंतेश्वरी सा प्राप्तेश्वरी साम दीर्घो तुस्मानम से किकनतम दीर्घसाम सा चित्तनम परिपूर्ण तुस्म तंतोक रूपेण ताम सिद्धे सिद्धि पूर्णता एतोस्मानम पूर्ण सिद्धये एतोस्मानम जीवन पर्यंतम सा कल्याणतम सा मम यौवन सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम मन न वृद्ध न जरा न पीड़ा न रोग न शुभ न कल्याणम न शुभ प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख प्राप्ता निमित्तम सर्व सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सर्व कल्याण प्राप्ता निमित्तम चिर यौवन प्राप्ता निमित्तम सर्व सुख प्राप्ता निमित्तम त्वाम मम निकटस्थ विश्व दृष्ट अदृष्ट गोचर अगोचर ताम्रेतोस्मानं शक्तिकलन्तं दीर्घोदस्मानं शक्तिकलन्तं पतिरूपेण सायतोस्मानं भार्यारूपेण साब्दं प्रियङ्कारूपेण सायतोस्मानं शक्तिकलन्तं प्रियारूपेण लतं दीर्घोदस्मानं सा पुरासि चिन्तयामि 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 एतोस्मानं शक्तिकलन्तं दीर्घस्यां सा शक्तिरूपेण सा शक्तिपातस्वरूपेण गुरुतां ताम् अप्सरां दीक्षाम् एतोस्मानं क्षां पुराक्षिरां प्रदीयसां प्रयोगा ता पुरादस्वानं सा नेत्रोज्ज्वला सा पुरादस्वां मम शक्ति प्राप्ता शक्तिपातेन मम शिष्य ताम् यन्त्र ताम हस्त यंत्र ताम सिद्धि अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम गुह्याति गुह्य गोप्त ताम पूर्णा सिद्धि भवतु एतोस्मानं सर्व सिद्धि सुख सर्वचर शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तव्यम संपर्द देहे ताम मंत्रम दद्यात आंखों के लगा करके इस यंत्र को और गुटिकाओं को रख दीजिए और ये जीवन पर्यंत गुटिका यंत्र रहेगा, इसको विसर्जित नहीं करना है और मंत्र में बोल देता हूं उस मंत्र को आप बोलेंगे। ओम ह्रीम ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ ह्रीम ऐं नमः। ओम ह्रीम ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ ह्रीम ऐं नमः। ओम ह्रीम ऐं अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ रीन एंग नमः। इस अप्सरा के पहले यदि आपको विशेष उर्वशी रंबाई तो उर्वशी अप्सरा ऐसा बोल सकते हैं, अप्सरा में फिर कोई भी अप्सरा आपके सामने सिद्धि होगी। तो यदि आप उर्वशी या मेनका या रंभा कोई नाम तिलोत्तमा या विद्युत्तमा या कोई ऐसा नहीं तो अप्सरा के पहले ओम रीन एंग उर्वशी अप्सरा प्रत्यक्ष आगच्छ ऐसा कर सकते हैं आप। आशीर्वाद आप दोनों हाथ खोल दीजिए, यंत्र आपके हाथ में, गुटिका आपके हाथ में हो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दिस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्ण ब्रह्म वाक्स्थान्त्यम् नन्तीं प्रसृतवान् अक्षतान् प्रसृतोऽन्त्यम् गृह्णन्ति इन्द्रा चत्वारो ऋते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं सोबलम् शीर्वचश्मायुष्मारोग्यम् महते ताम् पूर्णत्व अप्सराम् सिद्धि निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त निमित्तम सुखतव्यम इदमचनोति पूर्णा पूर्णतव्यम तपादे। ओम पूर्णाम दरिपराम पतस पूर्णाम पुनरापत वस्तमकमूर्ज घूम शतक्रतो हो। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह एक अद्वितीय प्रयोग आपको सफलता मिले ही
जिससे कि आप यौन बंध रह के कई वर्षों तक आप मेरे साथ रह सकें और जीवन का एक आनंद, जीवन का एक लुत्फ, जीवन का एक सौंदर्य सौभाग्य प्राप्त कर सकें। और मैंने सोचा जो नियम मैंने आपको नोट करवाया, आपने नोट किए होंगे, यदि इसमें घी का दीपक लगाएं तो घी के अंदर शुद्ध घी में इत्र मिला करके घी का दीपक लगा सकते हैं। मुझे इसमें स्फटिक माला का प्रयोग ही होगा या अप्सरा माला का प्रयोग होगा, ये बात ध्यान रखें। और रात्रिकालीन प्रयोग है और वस्त्र कुछ भी हो, घी के दीपक लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, गुलाब का इत्र आपके शरीर पर लगा हुआ हो, कानों में लगा हुआ हो और गुलाब का शुद्ध इत्र हो और सामने गुलाब के 11 पुष्प हो और माला हो और सामने अगर अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाए तो उसको माला पहना दे, चाहे वो 2 दिन बाद हो, चाहे 11 दिन बाद हो, 56 दिन बाद हो। तंत्रोक्त रूपेण क्यों तांत्रिक मंत्र है, सिद्ध तो होती ही है, मगर जो नियम बताए, जो तरीका बताया वह होना चाहिए और 9 से 5 बजे के बीच में होना चाहिए। उस कमरे में और दूसरा कोई होना नहीं चाहिए।